लगाया। इस अभियान का हिस्सा स्कूल की बालिकाएं भी बनी। देखिए खबर। यातायात पुलिस विभाग द्वारा शनिवार को शहर के विजय टॉकीज चौराहे पर यातायात जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। शहर के नागरिकों को जागरूक करने चलाए गए इस अभियान में पुलिस विभाग के साथ शासकीय कन्या कोटी स्कूल की बालिकाओं ने भी मोर्चा संभाला। बालिकाओं ने यातायात पुलिस के वॉलेंटियर के रूप में चौराहे पर अलग अलग तैनात होकर वाहन चालकों को रोका और उनसे सख्ती से हिदायत देने के साथ ही नियमों की जानकारी भी दी। बालिकाओं के साथ चलाए गए इस अभियान का पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा भी हिस्सा बने। उन्होंने भी यहां बालिकाओं के साथ शहर की सड़कों पर वाहन चला रहे लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया। बालिकाओं ने जो दो पहिया वाहनों पर हेलमेट लगाकर जा रहे थे लोगों को गुलाब के फूल भेंट किए और उन्हें अन्य लोगों को जागरूक करने की सलाह दी। बालिकाओं ने चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाकर बैठे चालक को गुलाब का फूल देकर उसका भी मनोबल बढ़ाया। विजय टॉकीज पर जागरूकता का यह अभियान करीब एक घंटे चला, जिसमें CSP फूल सीए परस्ते व यातायात प्रभारी मोहन भरावत सहित स्कूल का स्टाफ व यातायात का अमला मौजूद था। पहले और जो प्रदेश सरकार है उनके निर्देशानुसार लगातार हम लोग हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य यातायात नियमों के पालन के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। बट कई बार पब्लिक ये लगता है कि हम लोग चालानी कार्रवाई करते हैं, उनके पैसे कट जाते हैं और क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो जो इन्फोर्समेंट के साथ जो एजुकेशन जो कंपोनेंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज जागरूकता के लिए स्कूल के बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर चौराहा पे जैसे आप देख रहे हैं चार पॉइंट बनाकर वो बच्चे जो हैं वो खुद ही समझाइश दे रहे हैं कि क्यों आप हेलमेट लगाएं, क्यों आप सीट बेल्ट लगाएं, आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो मुझे लगता है कि इस समझाइश से भी लोगों में असर पड़ेगा। चालानी कार्रवाई और इन्फोर्समेंट तो जारी रहेगा, साथ में इन्फोर्समेंट के साथ ये एजुकेशन वाली भी हम लोग प्रक्रिया हर शनिवार को कर रहे हैं, ये जारी रहेगी। सामान्य तौर पर देखने में आता है कि यातायात विभाग द्वारा समझाई देती है और आप जो है पुलिस कप्तान होने के नाते भी आप स्वयं जो यहाँ पर मौजूद हैं। डेफिनेटली देखिए हर साल सड़क दुर्घटना में नीमच जिले में लगभग 100 से ज़्यादा जाने जाती हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जो आदमी निकलता है रोजगार के लिए, किसी से उसका लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसके बाद भी उसका जो असमय मृत्यु होती है तो वो बहुत ही चिंता का विषय है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी जागरूक हो, हेलमेट लगाएं, यातायात नियमों का पालन करें और नीमच उस तरह से सुरक्षित शहर बन सके।